गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैंने जो ब्लॉग एंड किया है ये उसी दिन का शूट है। मेरा भाई जा रहा था और मुझे एंड करने का टाइम नहीं मिला था पहले वाला ब्लॉग, तो मैंने इसी दिन शूट किया मॉर्निंग में। और मैंने यहीं से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है कि भाई जा रहा है और मैं उसके साथ गप्पे मार रही हूँ। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा था स्टेशन पे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करके अभी डाला है। उसकी गाड़ी आधे घंटे पौने घंटे लेट थी, तो वो बोल रहा था कि चले जाइए, बारिश का मौसम हो रहा है। बट मैंने बोला कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी, और मैंने उसे गाड़ी में बैठाया, उसे छोड़ के ही मैं आई हूँ। तो बस यही मैं बोल रही थी आपसे। ट्रेन आ चुकी है और भाई अंदर एंटर कर रहा है, सीट ढूंढने जा रहा है। मुझे बोला कि बाहर ही खड़े रहो, स्टार्ट हो जाएगी फिर ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। देखते हैं कहाँ सीट है उसका। वो बैठ गया है भाई मेरा, दिख रहा होगा कहाँ। और सब अंजलि गुड इवनिंग यू गाइस। मैं भाई को छोड़ के आ गई और थोड़ा इमोशनल हो चुकी थी। उसके बाद आके घर के बहुत सारे काम को निपटाया और उसके बाद इतनी टायर्ड हो चुकी थी क्योंकि उसको उसका ट्रेन जो था वो अर्ली मॉर्निंग था, तो मैं भी 3 बजे मॉर्निंग में ही उठ चुकी थी। तो सारा काम धाम निपटाते हुए 12 बजे ऑलमोस्ट मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, मैं सो गई। एक ही बार 3 बजे उठी, 3 घंटे की नींद ली मैंने। और अभी शाम हो चुके हैं, शाम के 5 बज रहे हैं। तो मम्मी को कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान खरीदना था, तो मैंने बोला चलिए मैं आपको दिलवा देती हूँ। तो बस अभी हम लोग रेडी हैं, अभी हम लोग जाएंगे बाकरगंज जो घर के पास में ही है। तो अभी हम लोग वहाँ के लिए रेडी हो चुके हैं, मम्मा भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। तो फिर चलिए चलते हैं। हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी है और ढेर सारी हम लोगों ने शॉपिंग किया। मम्मी के हाथ में देखिए कितना सारा प्लास्टिक है, जम के हम लोगों ने शॉपिंग की है। हम लोगों ने सैंडल्स लिए, मम्मी के लिए चूड़ी लेना था, नाखून पॉलिश लिया वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ली। अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, तब तक मम्मी भाई भी भूलने लगी। और उसके बाद बहुत थक चुके थे तो हम लोगों ने सोडा पिया ड्रिंक्स में। मैंने मसाला सोडा लिया, मम्मी ने मैंगो फ्लेवर दिया। और अभी रात के 8:30 होने वाले हैं और पापा का कॉल आ चुका है, कहाँ तुम लोग हो। मैंने बोला कि हम लोग की शॉपिंग हो चुकी है, बस हम लोग आ रहे हैं थोड़ी। तो बस अब हम लोग निकलेंगे घर, क्योंकि बेटा भी पापा के पास ही है। हम लोग उसको छोड़ के आए थे क्योंकि बहुत परेशानी हो जाती है उसको लेके आने में। और पापा जब घर पे थे तो कोई दिक्कत था नहीं तो उसको तो साथ ही लेके आती हूँ मैं। आप लोग देखते ही हैं कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, बट अभी पापा हैं तो पापा के पास में उसे छोड़ के आएंगे। फिर चलते हैं सीधे घर पे और वहाँ पे मैं आपसे मिलती हूँ। मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, अभी मॉर्निंग हो चुकी है और आज मम्मी को यहाँ का शिव मंदिर घुमाने का प्लान है। खजपुरा में शिव मंदिर है, यहाँ मैंने जहाँ तक देखा है पटना में वो बहुत बड़ा है, भोलेनाथ का मंदिर। तो मैंने बोला कि चलिए आज दर्शन करके आते हैं, सोमवार है और इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। वैसे तो भगवान के दर्शन के लिए सभी दिन ही पावन होते हैं, मन में जहाँ भगवान वास करते हैं वही पवित्र हो जाता है। बट आज मंडे था तो मैंने बोला कि चलिए आप लोगों को, मतलब मम्मी को सिर्फ, पापा अभी थोड़ा बिजी है तो उनको नहीं, लेकिन मम्मी को मैं लेके जा रही हूँ। और कल हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की, उसके बाद हम लोग घर आए, बहुत टायर्ड हो चुके थे। फिर खाना पीना बनाया, खा पी के बातें चीत करने लगे, पता नहीं कब फिर सो गए। तो इसलिए मैं कल कुछ और शूट नहीं कर पाई। देखिए फैमिली टाइम जो होता है ना, वहाँ पे कैमरा लेके जाने के बाद फिर वो फैमिली टाइम नहीं रह पाता है, इसलिए मैं भूल भी जाती हूँ रिकॉर्ड करना। लेकिन अभी मैंने सोचा कि अभी निकल रही हूँ तो चलो कम से कम स्टार्ट तो करूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ वहाँ पे मंदिर में आप लोगों के साथ। कौन सा है?
बाहर का नजारा है, बाहर से मुझे कुछ ऐसा दिखता है। हम लोग घर आ चुके हैं और मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया है और अभी मैं चाय पी रही हूँ। मम्मी भी चाय पी रही है, मतलब पी चुकी है, और अभी वो थोड़ा अपना बैग वगैरह समेट रही है क्योंकि वो भी कल या परसों चली जाएगी। जी हाँ, बस कुछ दिनों के लिए आए थे। एक्चुअली उन लोगों को गाँव में भी कुछ काम है तो इसलिए उन लोगों को जाना पड़ेगा। तो अभी मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आते वक्त जितनी खुशी होती है, जाते वक्त तो पता ही है कैसा लगता है। अब 4-5 दिन के लिए ही आए थे लोग, अब जा रहे हैं। अभी देखिए ये नानी को बुला रहे हैं, तो बस जाने की तैयारी में लगी हुई है मम्मी। और मैं लो बैठी हुई हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जाने के नाम से, पर क्या कर सकते हैं, रुक भी नहीं सकते क्योंकि कुछ काम है और जाना ज़रूरी है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम होपफुली जल्दी मिलेंगे। बस अभी चाय पी रहे हैं, देखते हैं आज का दिन कैसे बीतता है। अभी हम लोग बाहर निकले हुए हैं, थोड़ा कुछ सामान लेना था, तो बस मैं और मम्मी निकले हुए हैं। बाय बाय नहीं यार, हाय बोलते हैं। अभी तो स्टार्ट ही है, बस मम्मी को ब्लॉग शुरू होते ही हाय और ब्लॉग बंद होते ही बाय, बस यही करने आता है और कुछ नहीं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। तो फिर जा क्यों रही है, अच्छा लग रहा है तो? तो क्या करें, देश जाना है ना, इसीलिए जाते हैं। सुने, अच्छा भी लग रहा है और जाना भी है, अब क्या बोला जाए। जरूरी है ना देश जाना। हाँ जरूरी है। तो कल चले जाएंगे मम्मी पापा, कल मॉर्निंग में ही निकलना है क्योंकि मॉर्निंग में ही ट्रेन है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बस जा रहे हैं तो जाने दे सकते हैं। देखते हैं कि पापा यहाँ से कोलकाता कैसे जाएंगे गांव से। अगर पटना होके जाएंगे तो फिर आएंगे ये लोग, और अगर नानी घर घूमने जाना होगा तो फिर ये लोग यूपी चले जाएंगे क्योंकि मेरी मम्मी यूपी से बिलोंग करती है और मेरा नानी घर यूपी में है। तो देखते हैं, गांव आई है, अगर वहाँ से बोला लोग बार बार कि आना है आना है, तो वहाँ पर मिलने चली जाएगी मम्मी और फिर वहीं से चली जाएगी, और अगर वहाँ पर नहीं गई तो फिर पटना से जाएगी। तो अभी कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं है कि कहाँ से जाना है, तो देखते हैं क्या होता है, और जैसा होगा आप लोगों को तो पता चलेगा ही। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं, देखते हैं। अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और आज मैंने नाश्ता में मैगी बनाया है। जी हाँ, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि रोज़ रोटी सब्जी पराठा वगैरह खा के थक चुके हैं, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाओ, तो मैंने बोला कि चलिए मैगी बनाते हैं, मैगी ट्राई किया जाए। तो आज मैंने मैगी बनाया है, ये मसाला मैगी मैंने बनाया है, और मैंने एक्चुअली इसका वीडियो भी बनाया है शॉर्ट्स वीडियो में डालने के लिए। तो आप लोग भी जाके देखिएगा और बताइएगा कैसा है। वैसे मैं खा के बताती हूँ कैसा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और ये इतना इजी वे में बनता है, आपको कुछ भी बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी है। पापा न्यूज़ देख रहे हैं तो वहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, मम्मी भी साथ में उनके कर रही है नाश्ता। मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ, वहाँ पे टीवी चल रहा है तो कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आके इसको दिखा रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। जी मम्मी, वैसे तो कल मम्मी पापा चले जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बहुत ही खाली लगेगा। इतने मतलब लगभग 7-8 दिनों से मैं ऐसा लग रहा था कि हवा में उड़ रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ऑब्वियसली घर के लोग रहते हैं तो किसी को भी अच्छा ही लगता है, बट क्या किया जा सकता है, लाइफ ऐसी है कि सब साथ में एनी टाइम नहीं रह सकते। बट ठीक है,
इतने दिन के लिए सही, बट आए तो थे हम लोग, खुश तो थे, साथ में थे, यही बहुत बड़ी बात है। तो बस अभी नाश्ता करेंगे हम लोग, उसके बाद थोड़ा बैठ के डिस्कशन होगा, घर के मुद्दों पे बातें होगी, मम्मी पापा के साथ यही होता आ रहा है। और मैं आपसे मिलती हूँ फिर बाद में, तब तक मैं अपना नाश्ता इंजॉय करती हूँ, और आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा है। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, आप लोग फॉलो नहीं करते हैं शायद, मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए, मेरा आईडी है रिंकी पांडे 355, तो वहाँ पे मेरे रील्स भी आपको देखने को मिलेंगे और मेरे फ़ोटोज़ भी जो मैं अपलोड करती हूँ। तो फिर नाश्ता फिनिश करने के बाद आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। के 3:30 हो रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि अब मेरे पापा जाने वाले हैं, तो बस हम लोग अपडेट है, बस मैं पापा सब चाय पी रहे हैं और मैं अपने छोटे स्टेशन जाऊँगी। तो बस अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या किया जा सकता है, छोड़ना तो है, बस रेडी हैं और निकलेंगे निकलेंगे बस। और क्या बोलूँ, ये जो टाइम होता है ना, सबसे खराब टाइम होता है। हेलो गाइस, मम्मी पापा चले गए और मैंने उस समय कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि जानते ही हैं कि मिलते वक्त जितना एक्साइटमेंट होता है, विदाई के समय आदमी ऐसा लगता है कि ये पल आए ही ना। ये सिर्फ शादी के समय की बात नहीं होती, ये हर समय की बात होती है कि मम्मी पापा से दूर होना थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो मैं उस टाइम को मैं सूट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर मम्मी भी रो रही थी, मैं भी इमोशनल हो चुकी थी, तो मैंने फिर कुछ सपोर्ट नहीं किया। और उसके बाद मैं घर आई और घर आके सो गई, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। नॉर्मली मैं सोती नहीं हूँ एक बार मॉर्निंग में उठ जाने के बाद, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अभी 9 बज रहे हैं, मैंने बोला कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बस इतना समझ लीजिए। मेरी जगह अगर कोई भी होगा तो मुझे रिलेट कर पा रहा होगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है ही नहीं, मतलब बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि क्यों इतनी जल्दी चले गए हैं, बट क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी मैं कुछ और शूट करूँगी। कम से कम आज के दिन तो बस याद कर करके रोना ही है कि कैसे हम लोग इन्जॉय किए, घूमे फिरे, टाइम कैसे पास हो जाता था। इसलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।